सिंह से वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना और प्रसिद्ध गायक मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। मैडम, लगातार आप चुनाव कैंपेनिंग से भी जुड़ी रही हैं, बहुत बड़ा मौका है ये। बहुत बड़ा अवसर है देश के लिए, तो पूरा मुझे लगता है कि ये न भूतों न भविष्यत वाला अवसर है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद, व्यक्तिगत मेरी राय है, देश विकास पथ पे फिर से दौड़ना प्रारंभ किया उसने। ये गति थमे ना, इसका ये निर्णायक अवसर है, तो जनता को बहुत सोच विचार कर और बहुमत के साथ निर्णय लेना होगा, जिसको भी वो वोट देना चाहे उनकी इच्छा। आप ये मानती हैं कि देश में लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है विकास में? लखनऊ का और पूरे उत्तर प्रदेश का। आपके यहाँ क्या हर चैनल पे तो रोज यही समाचार चलता है कि उत्तर प्रदेश जिसे ठान ले वही प्रधानमंत्री बनेगा या सरकार उसी की बनेगी। और इसके लिए एक बात मैं जरूर यहाँ पे मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि निर्वाचन आयोग ने भी पूरे भारतवर्ष में बहुत काम किया, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो वोटर अवेयरनेस के लिए इतना कार्य हुआ है, आज कहीं ना कहीं उसका मीडिया ने जो इतना प्रचार प्रसार किया उसका भी ये परिणाम है कि ये वोटर को समझ में आ गया है कि उसको यदि अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो उसको पहले तो अपने मन की सरकार के लिए जुट के वोट करना होगा। घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं अभी तो कुछ भीड़ कम हो गई, मैंने कभी यहाँ पर लाइन में लगकर इतनी लंबी कभी वोट नहीं दिया, तो इसमें इस बूथ में इतनी आपकी बार भीड़ है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लखनऊ, चूंकि आपने पूछा है, लखनऊ में मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। सर, यूपी में इलेक्शन 14 सीटों पर इस समय चल रहा है, आप को लगता है कि यूपी बहुत निर्णायक होता है हमेशा देश में, तो जनता से आप लोग क्या अपील कर